परी, तुम परी, परी का भूत हो ना? मुझे मार के आई हो? कि क्या बोल रही हो तुम? प्लीज मुझे मत मार। मैंने बताया ना मैं परी नहीं हूँ। मुझे मत मारना। मैंने बताया ना मैं परी। नीति, नीति, नीति संभालो, नीति संभालो अपने आप को। देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलना होगा। कम ऑन, चलो। कम ऑन, हिम्मत रखो, मैं बाहर निकलना है यहाँ से। अंदर और कोई है? पता नहीं, आप एक बार जाके देख लीजिए। अंदर जाके देखो। पार्वती अंदर है, पार्वती अंदर चली गई। मैंने अपने उसको बहुत चिल्ला के रोकने की कोशिश की, मैंने पूछे करा दी, मैंने पूछे मालिक को कि वो अकेले अंदर चली गई। मैं चाहता हूँ संभालो, संभालो, रुक जाओ। अरे आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजीव इस समय बहुत परेशान हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने किया था परी के साथ। अब हमने देखा था ना कि परी के ऊपर झूमर गिरने वाला होता है, राजीव आके बचा लेता है और भाई घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा प्लान नीति का है, नीति ने गुंडे बुलाए थे और नीति ने भाई वो रस्सी वगैरह भी कटवा दी थी और नीति को लग रहा था कि अब तो दी एंड हो जाएगा परी का, लेकिन दोबारा से उसका राजीव आएगा और उसे बचा लेगा। और यही देख कर ना भाई नीति आग बबूला हो जाएगी, मतलब बहुत गुस्सा करने लगेगी और उसको समझ में नहीं आएगा कि राजीव को तो मैं कमरे में बंद करके आई थी, बाहर से कुंडी लगा के आई थी, ये कहां से लौट कर आ गया। अब यही सब वो सारी चीजें सोच रही होती है, तेरे में अंबिका आती है और अंबिका उसको धमकी वगैरह देने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बेटी के साथ ये हरकत करने की, क्योंकि भाई सबको पता है कि ये सारा काम नीति ने ही किया है, वही करवा रही है, क्योंकि नीति ने उसको चैलेंज भी किया था ना कि तेरे को 24 घंटे के अंदर मैं मार के रहूंगी, और यहां पर वो यही सारा काम कर रही है। तो भाई अंबिका उस पर गुस्सा करती है, वहीं वो नीति बोल रही है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपको कोई गलतफहमी है। अब नीति इतने गुस्से में है कि नीति अपनी बड़ी चाल चल देती है। अब नीति केरोसिन ऑयल लेकर आती है यहां पर और यहाँ पर किसी तरीके से जो परी होती है ना वो वॉशरूम के अंदर होती है, तो उसको लगता है कि बाहर तो निकलेगी नहीं। अब धीरे धीरे ना परी को होश आ रहा है, हमने देखा था ना कि बेहोशी की ड्रिंक मिला दी थी भाई नीति ने, कुछ बेहोशी का उसमें ऐसा मिला दिया था ड्रिंक में कि वो चक्कर खाने लगी थी और यहाँ पर वो होश में नहीं थी। तो इसी बेहोशी में ना यहाँ पर परी भाई वॉशरूम के अंदर है और उसको धीरे धीरे करके होश आ रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाती है नीति और बाहर से वो केरोसिन ऑयल डाल देगी और यहाँ पर आग लगा देगी। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर क्या परी की मौत हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का हम प्रोमो एक देख रहे थे ना उसमें ये आ रहा है कि पहले परी आग में होती है लेकिन उसके बाद वो कुछ इस तरीके का होता है कि नीति उसी के जाल में फंस जाती है, मतलब नीति अपने ही जाल में खुद उल्टी फंस जाएगी। और यहां पर नीति को हम देख रहे हैं कि आग के अंदर है और यहां पर चिल्ला रही है बचाओ बचाओ और यहां पर नीति की हालत बहुत खराब है। तो भाई ये बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है कि यहां पर परी की मौत होगी या नीति की, और दी एंड किसका होगा, और यहां पर संजू और राजीव किसको मिलने वाला है, परी को या फिर नीति को।